घुसखोर हेड क्लर्क गिरफ्तार। खुल गई घुसखोरी की पोल पट्टी। घूस के पैसे के साथ रंगे हाथ हुई गिरफ्तारी। घुसखोरी के आरोप में घूस के पैसे के साथ पूर्णिया कल्याण कार्यालय के हेड क्लर्क को निगरानी की टीम ने दबोचा है। इस गिरफ्तारी को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक दुष्कर्म पीड़िता की हत्या कर दी गई थी, जिसका सरसी थाने में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पीड़िता के परिजनों को 58,000 रूपए मुआवजा मिलना था, लेकिन उसका भाई कल्याण विभाग के दफ्तर का चक्कर काटने लगा और जिस कल्याण कार्यालय के हेड क्लर्क संजय कुमार को मुआवजा देना था उसने मुआवजे की राशि में से 50% की डिमांड कर दी। मामला यही था कि 2020 में मेरी बहन का मर्डर हुआ था, जिसमें सरकार मुआवजा देती है ना, तो मुआवजा में 50% का मांग किया गया हमसे, और हम गिड़गिड़ाएँ भी कि सर हम गरीब हैं, मेरी बहन का मर्डर हुआ था, उसी का पैसा है, कुछ रहम कर दीजिए, लेकिन रहम करने का बात नहीं चला, 50% मांग रहे थे पैसे। उधर इस मामले की सूचना पीड़िता के भाई ने निगरानी टीम को दे दी, जिसके बाद निगरानी की टीम ने क्लर्क को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पेंशन का इनका 58,000 रुपया बाकी था, चालू हो गया था पेंशन, उसी रुपया को पेमेंट करने के लिए कि आप रुपया दीजिए हमको 18,000 रुपया, हमें भी आपको 18,000 आपके अकाउंट में भेज देते हैं, बाकी रुपया आपको पर मंथ मिलते रहेगा। उसी में इन्होंने रुपया देना नहीं चाहा, तो ये निगरानी में 27 तारीख को जाके जून को रिकॉर्ड किया कि हमसे रुपया मंग रहा है, हम रुपया देना नहीं चाहते हैं। निगरानी द्वारा इसका सत्यापन किया गया, सत्यापन प्रमाणित पाया गया, मामला सही है, उसी पर हम लोगों का एक टीम हुआ डी साहब के आदेश अनुसार, अपने साफ है दोषी की गिरफ्तारी के बाद जहां लोगों ने राहत की सांस ली है वहीं न्याय की उम्मीद जग गई है। न्यूज़ लाइफ डेस्क पट्टा।